इस समय मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के जीपी पंत अस्पताल के कोविड वार्ड के बाहर, और अब मैं कोविड वार्ड के अंदर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद बिल्कुल आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको सावधान करना है। और यहाँ पर जिस तरह आप अंदर बच्चे, नन्हे मुन्हे बच्चे देख रहे हैं, ये नन्हे मुन्हे बच्चे कोविड का शिकार हुए हैं, और जिस तरह लगातार ये बात एक्सपर्ट की तरफ से लगातार बताई जा रही है, मीडिया में भी आ रही है, घर घर के चलते बच्चे कोविड से को लेकर प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि असरअंदाज हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह पहली वेव में एल्डरली जो लोग थे या जो अलग अलग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ जो असरअंदाज थे, उन पर कोविड ने हमला किया। दूसरी वेव में जो है यंगस्टर्स पर जो है कोविड ने अपना निशाना कसा, और अब थर्ड वेव में बच्चों के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि जो 18 से 45 एज ग्रुप है या 45 से ऊपर वाला एज ग्रुप है, उनमें वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है वो लगातार जारी है, और कई राज्यों या जिलों में ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है किसी हद तक मुकम्मल हुआ है। कई जगहों पर अभी ये जो है आगे जो है जारी भी रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ इस कोविड वार्ड में आपको तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मुश्किल है उन तमाम परिवारों के लिए जिनके बच्चे, छोटे बच्चे जो है कोविड का शिकार होते हैं, और उनका जो टेक केयर अस्पतालों के कोविड वार्ड्स में करना कितना मुश्किल है। इसलिए सब पे जिम्मेदारी बनती है। और कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह लॉकडाउन के चलते लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस में गिरावट आ रही है, यानी जितना हमने अमल किया उसके अच्छे नतीजे आए, और इसी तरह थर्ड वेव के चलते हमने अपने बच्चों को महफूज रखना है, अपने आप को जो है कोविड के चलते सतर्क रखना है, SOPs का ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर में अल्लाह ना करे कि कोविड की स्थिति थर्ड वेव में खासतौर पर हमारे बच्चों के लिए भयानक साबित हो। इसलिए जहां एक तरफ सरकार पहले ही तमाम तैयारियां करना शुरू कर चुका है जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पर जिले पंत अस्पताल में 50 कोविड डेडिकेटेड बेड्स बच्चों के लिए पहले रखे गए हैं, और 60 बेड्स की लगातार तैयारियां चल रही हैं वॉर फुटिंग बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं हम सबको लॉकडाउन, कोविड SOPs और इन तमाम नियमों का पालन करना है जो WHO, हेल्थ एक्सपर्ट्स या सरकार की तरफ से दी जा रही है। खासतौर पर बच्चों को इस कोरोना की महामारी से दूर रखें, क्योंकि जिस तरह बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन भी नहीं शुरू हुआ है, और इस पर बहुत एक्सपर्ट लेवल पर काम करना बाकी है, तो उसके चलते हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरोना की जंग में उन तमाम नियमों का अमल करें जिससे कि हम अपनी जिंदगियां और अपने प्यारों की जिंदगियां बचा सकें।